हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि बहुल आवेशों, बहुल मतलब बहुत से आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेश द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसे हम समझते हैं कि क्या कह रहे हैं, ये तो इसकी परिभाषा है। हमने माना कि एक हमारे पास ये एक आवेश है, मान लेते हैं इस आवेश का मान मान लेते हैं Q1 है। इससे कुछ दूरी पर हमने अलग अलग आवेश ले लिए, मान लेते हैं यहां पर एक दूसरा आवेश है Q2, यहां पर एक दूसरा आवेश है Q3, इसी प्रकार अन्य आवेश हैं। और यहां पर हम एक एनवा आवेश ले लेते हैं जिसका हम मान Qn मानते हैं। तो हम कहते हैं कि Q1 पर Q2 भी कुछ बल लगाएगा, Q3 पे भी बल लगाएगा और Qn, इसी प्रकार बहुत सारे यदि आवेश हो तो ये सभी अलग अलग आवेश Q1 पर अपने अपने बल आरोपित करेंगे। तो Q1 पर जो परिणामी बल होगा वह इन सब द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा ये है। अब जब हमने कूलाम के नियम में उसका सदिश योग पढ़ा था तो उस समय आपको ध्यान होगा कि हम जो बल होता है हमारा F, इसका नामकरण कुछ इस प्रकार से करते हैं कि पहले देखते हैं पहले नंबर पर कि किस पर आवेश लग रहा है। तो आवेश लग रहा है Q1 पर, तो यहां पर आ जाएगा 1। फिर देखते हैं किसके द्वारा लग रहा है, तो Q2 के द्वारा लग रहा है, तो यहां पर लिख लेंगे 2। इसी प्रकार Q3 भी इस पर बल लगाएगा, तो Q3 बल लगाएगा तो उसकी रेखा ये होगी और लगने वाले बल की दिशा इस प्रकार से होगी। इस बल का भी हम नामकरण लिख लेते हैं F, क्योंकि 1 पर लग रहा है तो यहां लिखेंगे 1। किसके द्वारा लग रहा है, Q3 के द्वारा लग रहा है, इसलिए ये हो गया F1 3। इसी प्रकार एनवा आवेश भी Q1 पर बल लगा रहा है और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही इसमें बल लगेगा इस प्रकार से। तो बल जो का जो नाम होगा वो होगा F1 होगा, किसके द्वारा लग रहा है, N के द्वारा लग रहा है, इसलिए यहां पर आ जाएगा 1N, क्योंकि सारे बल सदिश राशियां हैं इसलिए इनको सदिश से निरूपित कर देंगे। तो हम लिखेंगे Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, Q1 पर परिणामी बल जो होगा F, वह बराबर होगा F12, Q2 आवेश के द्वारा लगने वाला F12 प्लस F13, Q3 आवेश के द्वारा लगने वाला बल F13 प्लस डॉट 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 एन आवेश के द्वारा लगने वाला बल, यानी कि F1N। अब हम इनके मान निकालेंगे कि F12 का मान क्या होगा। तो F12 सदिश मान होगा, हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का जो मान होता है वो कूलाम के नियम से आता है 1/4π ε0। पहला बल था Q1, दूसरा बल था Q2 बटे इन दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए बीच की दूरी Q2 से Q1 के बीच की दूरी हम मान लेते हैं ये है R21। और यदि इसका सदिश रूप लिया जाए जो विस्थापन वेक्टर होता है तो इसको हम वेक्टर R21 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि बीच की दूरी तो होगी R21, ये तो इसका अदिश रूप हो गया यानी कि परिमाण, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा R21 का स्क्वायर। साथ में क्योंकि F12 एक सदिश राशि है तो हमें बताना पड़ेगा इसकी दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा Q2 से Q1 की तरफ है इसलिए R का मान 2 से 1 की तरफ आएगा, यानी कि हम लिख लेंगे ये R21। इसके ऊपर कैप लगाने का अर्थ यह है कि यह हमारे सदिश को बताता है, सदिश की दिशा बताता है। तो आप देखिए 2 से 1 की दिशा जो ये वाली दिशा है F12 की भी दिशा यही वाली है, यदि इस रेखा को मिलाएं तो
ये एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से एफ 13 का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q1 q3 अपॉन यहां पर आ जाएगा आर 31 का स्क्वायर, 3 से 1 की दूरी और वेक्टर की फॉर्म में आर 31 इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ में इसकी दिशा को निरूपित करेंगे आर 31 बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। इसी प्रकार एफ पर लगने वाला एनवे आवेश के द्वारा लगने वाला बल, तो ये एफ 1 n बराबर होगा हमारा 1/4πε0 q1 qn अपॉन आर एन 1 का स्क्वायर और साथ में दिशा आएगी n से एक की तरफ, n से एक की तरफ, तो ये वेक्टर आर एन 1 को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमें पता चल गया। तो हमें तो निकालना है परिणामी f का मान निकालना है, तो परिणामी f बराबर हो जाएगा f 12 का मान रखेंगे तो f 12 का मान 1/4πε0 q1 q2 अपॉन आर 21 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर 21 प्लस f 13 का मान वो इस समीकरण से लिखेंगे 1/4πε0 q1 q3 अपॉन आर 31 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर 31। यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक वेक्टर प्लस डॉट डॉट अन्य आवेश के द्वारा साथ में एनवे आवेश के द्वारा लगने वाला बल 1/4πε0 q1 qn अपॉन आर एन 1 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर एन 1। तो ये हमारा परिणामी बल लगेगा जो कि q1 आवेश पर लगेगा अन्य आवेशों के द्वारा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। हमने यहां पर पढ़ा था कि कूलाम का नियम वैद्युत बल को बताता है और उस बल का हमारे पास जो सूत्र आया था वो आया था F इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 बटे आर स्क्वायर। जबकि कक्षा 11 पे हमने न्यूटन के सार्थक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था जिसके अनुसार लगने वाला बल बराबर होता है कैपिटल जी एम 1 एम 2 बटे आर स्क्वायर। तो इनमें समानता तो यह है कि यह दोनों के दोनों वर्ग व्युत्क्रम के नियम है, अर्थात दूरी के साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे यह बल तेजी से घटते हैं। तो दूसरी बात, यह बल आवेशों के बीच में लगता है, यह बल द्रव्यमानों के बीच में लगता है, तो हम कहते हैं यह बल आवेशों के बीच लगता है जबकि यह बल सभी द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच कार्य करता है, पहला दूसरा तीसरा। यह जो बल होता है वैद्युत बल, ये दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात यह दो प्रकार का होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, यहां से हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्योंकि वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इससे हमें यह भी पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल क्योंकि केवल द्रव्यमान पिंडों के बीच में काम करता है और केवल आकर्षण बल होता है, इसका अर्थ होता है कि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का हो सकता है, एक से अधिक प्रकार का नहीं होता। अगला यदि हम बात करें जो वैद्युत बल होता है वह बीच के आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कि यह जो बल है यह
माध्यम पर निर्भर करता है, और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह इन दोनों पिंडों के बीच कैसा भी माध्यम हो इस पर कुछ भी निर्भर नहीं करता। तो जो यह है माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा दो प्रोटोनों के बीच में कहेंगे, दो प्रोटोनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10^36 गुना बड़ा होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत क्षीण बल है। क्षीण बल मतलब कमजोर बल है विद्युत बल की तुलना में, और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10^43 गुना बड़ा होता है। यहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत क्षीण बल है। तो इस प्रकार से हम विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनमें अंतर ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले समझेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने कोई एक आवेश लिया, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश लिया, तो हम कहते हैं कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अथवा परीक्षण आवेश किसी विद्युत बल का अनुभव करता हो, क्योंकि यहां बल दो प्रकार के हो सकते हैं, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अथवा परीक्षण आवेश किसी विद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम इस विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लो यहां तक हमने कहा कोई एक परीक्षण आवेश हमने रखा क्यू नॉट या क्यू जीरो, यह इस बिंदु तक इस आवेश के द्वारा आरोपित विद्युत बल का अनुभव करता है। तो जहां तक यह परीक्षण आवेश दूर जाते जाते जहां तक यह इस बल का अनुभव करेगा, इसके द्वारा लगाए गए बल का, हम कहेंगे उतनी दूर तक इस आवेश का जो क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो अब अगला आता है कि विद्युत क्षेत्र, तो हमें परिभाषा समझ में आ गई। अब यह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना अधिक होगा अथवा कितना कम होगा, इसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु पर, हम कोई भी बिंदु ले ले, मान लेते हैं यहां पर ले लिया हमने, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई का अर्थ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी आवेश के चारों तरफ किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई, वह उस बिंदु पर रखे हुए आवेश पर इस आवेश द्वारा लगाए गए बल यानी कि एफ, यह आवेश इस पर जितना बल लगा रहा है, लगाए गए बल तथा इस आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है,
यानी कि इस आवेश का जो परिमाण है यदि इससे इसमें भाग दे दिया जाए तो हमारे पास जो भी निकल के आएगा वह इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह एक सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की दिशा बिल्कुल वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो हम यहां पर निकालना चाहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा ये बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? प्लस आवेश, क्योंकि ये धनात्मक है। इस परीक्षण आवेश, क्योंकि परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक लिया जाता है, यह धन आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा समान आवेश के कारण, जिस पर इधर की ओर बल लगेगा F। तो जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी यहां से इस पर, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस बल की ही दिशा में होगी। तो विद्युत क्षेत्र का मान बराबर F अपॉन क्यू जीरो के बराबर होगा। इसका आप मात्रक निकालना चाहें तो ये मात्रक बराबर आ जाएगा न्यूटन बटे कूलम्ब। और इसकी यदि विमा हम निकालना चाहें तो आपको पता है न्यूटन बल का मात्रक है, इसकी विमा होती है एम एल टी माइनस टू। कूलम्ब की विमा होती है ए गुणा टी, हमने पहले भी बताई थी। कूलम्ब क्योंकि आवेश का मात्रक होता है और आवेश का हमारे पास सूत्र होता है, आगे बढ़ेंगे, क्यू बराबर आई इंटू टी, आई बहने वाली विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर यानी कि ए, टी यानी कि समय, समय को हम नापते हैं सेकेंड में, इसलिए इसकी विमा हो गई टी। क्यू कूलम्ब में नापा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं जो कूलम्ब है वो ए गुणा टी इसकी विमा होती है। तो इसकी परिणामी विमा जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी एम एल टी की घात माइनस टू, पहले से ये ऊपर जाकर के एक और घात हो जाएगी तो टी की घात हो जाएगी माइनस थ्री, साथ में ए ऊपर जाएगा तो ए की घात हो जाएगी माइनस वन। तो हम कहेंगे इस प्रकार से हमने एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लिया। अब हम विद्युत क्षेत्र का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? हमने कहा मान लेते हैं एक हमने यहां पर एक बिंदु लिया, यहां पर एक आवेश हमने रख दिया क्यू आवेश रख दिया। अब इस बिंदु का नाम मान लेते हैं ए है, ए से आर दूरी पर हमने एक दूसरा बिंदु ले लिया, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम है पी। इस पी बिंदु पर हमें इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमने कहा माना यहां पर हम एक दूसरा आवेश रख लेते हैं, क्यू जीरो आवेश ही रख लेते हैं, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश द्वारा पी पर रखे क्यू जीरो आवेश पर लगने वाला बल। जो बल लगेगा उसका मान आएगा एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू वन यानी कि मुख्य आवेश क्यू, क्यू टू यानी कि यह आ गया हमारा परीक्षण आवेश क्यू जीरो, इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि आर इसका स्क्वायर। ये हमारा किसका मान आ गया? बल का मान आ गया। बल की यदि दिशा लिखना चाहें तो यदि ये धन आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश भी धन आवेश है तो लगने वाले बल की दिशा ये होगी, ये हमारे बल की दिशा होगी, यानी कि बल ए से पी की ओर लगेगा। तो हम लिख सकते हैं ए से पी की ओर ये बल लगेगा। पर हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं चूंकि E बराबर होता है F अपॉन क्यू जीरो, ये हमने यहां पर निकाला था E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू जीरो। क्यू जीरो मतलब यहां पर जो भी आवेश रखेंगे उसी का आपको भाग दे देना है। तो हमने E बराबर F अपॉन क्यू जीरो, तो E बराबर F का मान रखेंगे यहां से, तो ये आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू गुणा क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर।
ये तो हमारा एफ का मान आ गया, साथ में वन अपॉन क्यू जीरो और है, इस क्यू जीरो को लिखेंगे तो एक बटा, इस क्यू जीरो से ये क्यू जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। अब इसकी दिशा क्या होगी, तो हमने कहा था इसकी दिशा बिल्कुल वही होती है जो बल की दिशा होती है, तो इस बिंदु पर जो दिशा होगी हम लिख सकते हैं उसे, वह दिशा भी ए से पी की ओर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से पी की तरफ होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो परिभाषा कहती है कि वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है, अर्थात यह वास्तव में तो ऐसा फिजिकली हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसे हम एक काल्पनिक वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि एक वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथककृत धनावेश गति करता है। तो हम इसे कैसे समझेंगे, हमने कहा कि एक हमने यहां मान लेते धनावेश ले लिया, अब इसके समीप पर वैद्युत बल रेखाएं कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करना है कि एक स्वतंत्र तथा पृथककृत धनावेश हम इसके समीप में रखते हैं जिसे हम मान लेते हैं परीक्षण आवेश ही है क्यू नॉट, अरे हमारा धनात्मक है, यह धनावेश इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा जिसके कारण यह इस दिशा में गति करेगा। यदि इस परीक्षण आवेश को इस स्थान पर रख दें तो यह मुख्य आवेश इस पर इस दिशा में बल लगाएगा जिससे यह इस दिशा में जाएगा, और इसी प्रकार यदि इसे यहां रख दिया जाए तो यह इस दिशा में गति करेगा, और यदि यहां रख दिया जाए तो यह इस दिशा में गति करेगा। तो हमें पता चल गया कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं। अब ऋणावेश में देख लेते हैं, हमने एक ऋणावेश ले लिया, ऋणावेश पर कुछ दूरी पर हमने फिर से परीक्षण आवेश रख दिया, अब की बार परीक्षण आवेश इस ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होता है क्योंकि दोनों में विपरीत आवेश, तो यदि इसे और दूर रखेंगे तो यहां से आएगा, इसी प्रकार यदि यहां रख दें तो यह इस तरीके से गति करेगा, यदि यहां रख दें तो ये इस प्रकार से गति करेगा। तो हम ऋणावेश पर भी वैद्युत बल रेखाएं खींच सकते हैं, साथ ही वैद्युत बल रेखा जब हम खींचते हैं तो उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसको हम यहां समझेंगे। हमने कहा एक हमारे पास यहां एक धनावेश है, इससे कुछ दूरी पर हमने एक ऋणावेश रख दिया, अब हम यहां पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं, मान लेते हैं मैंने यहां पर प्लस क्यू जीरो एक परीक्षण आवेश रख दिया, अब प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश रखा है तो इस क्यू जीरो आवेश पर दो बल काम करेंगे, एक बल तो इसके द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल होगा जो कि इस आवेश को दूर भेजने का प्रयास करेगा, दूसरा कुछ दूरी पर रखे हुए माइनस आवेश द्वारा इस Q0 पर आकर्षण बल लगाया जाएगा जिसे अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि दो बल लग रहे हैं, एक प्रतिकर्षण बल इसको इधर ले जा रहा है, एक आकर्षण बल इसे इधर ले जा रहा है, तो इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा और इनके बीच से निकलेगा, अर्थात यह परीक्षण आवेश इस प्रकार गति करेगा, यहां पर पहुंचेगा, यहां पर भी ऐसे दो बल लगेंगे तो जिसके कारण यह इस प्रकार से घूम करके अंत में यहां पर पहुंच जाए, इसी प्रकार यदि इसको नीचे रखा जाए यहां पर तो ये इस रेखा में गति करेगा इधर से इधर की ओर, तो यह हमारी ये जो रेखाएं हैं यह सब हम कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं हैं, यहां से यह बाहर जा रही है, यहां पर यह
अंदर आ रही विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाओं में विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं हमने एक ये बिंदु ले लिया, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा इस विद्युत बल रेखा की दिशा ये वाली है, इधर की ओर जा रही है, धन से ऋण की तरफ जा रही है। तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो यदि इसी दिशा में हम एक स्पर्श रेखा खींची है, तो यह हमने स्पर्श रेखा खींच दी। जो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत बल रेखा के इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, विद्युत बल रेखा के इस बिंदु या किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र ई की दिशा को, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब हम विद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं कहें तो आप देख रहे हैं पहली विशेषता है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। तो पहली हमने समझ गए कि यह धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं, और दूसरी है यह विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर अंदर की ओर प्रवेश करती है, यानी कि धन से बाहर निकलती है और ऋण पर प्रवेश करती है। अगला है हमारा, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो नहीं काटती, हमने कहा ये दो विद्युत बल रेखाएं ड्रॉ करते हैं, एक ये और एक ये। मान लेते हैं ये दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, यह विद्युत बल रेखा की दिशा ये थी और इस वाले विद्युत बल रेखा की दिशा ये थी, ये इधर से इधर जा रही थी, ये इधर से इधर जा रही थी। हमने कहा यदि यह इस बिंदु पर काटती है तो हमारा यह नियम कहता है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो जब इस रेखा के अनुदिश स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा ऐसे आती है, अर्थात इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो ये होगी। अब यदि इस रेखा के अनुदिश यदि एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये इस प्रकार से आएगी, यह भी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा को भी प्रदर्शित करेगी। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कभी भी दो दिशाएं संभव नहीं है। दो दिशाएं क्यों संभव नहीं है, उसका कारण है विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि पर यदि कोई सदिश राशि हो, एक ही बिंदु पर यदि दो सदिश काम कर रहे हो तो उनका जो परिणाम ही निकलेगा उसकी केवल एक ही दिशा होगी। तो अर्थात यदि दो विद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु पर पहुंचते भी हैं तो विद्युत बल रेखाएं तो इस प्रकार से एडजस्ट करेंगी कि वो कभी भी एक दूसरे को न काटे। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। अगला हमारा इसकी विशेषता है कि विद्युत बल रेखा यदि हम इस प्रकार से बनाएं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, तो इनके बीच में जो विद्युत बल रेखा सीधी चलेगी वो इस प्रकार से चलेगी, धन से शुरू होगी ऋण पर समाप्त होगी। यह विद्युत बल रेखा लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, यह चाहती है मैं छोटी से छोटी हो जाऊं। तो यह छोटी कब हो सकती है, जब यह दोनों धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के समीप आ जाए। तो यहां से हमें यह प्रॉपर्टी पता चलती है कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, जिससे हमें पता चलता है कि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। इसी प्रकार अगली विशेषता हमारी है, वह विशेषता है कि हम मान लेते हैं यहां पर एक ये धनावेश बना लिया हमने और एक ये ऋणावेश बना लिया। यहां पर हमने कहा विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से चल रही है, धन से ऋण की तरफ, धन से ऋण की तरफ। दो विद्युत बल रेखाएं दो समीपवर्ती विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है, या हम कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को धकेल दूर धकेलने का प्रयास करती।
यह वैद्युत बल रेखा चाहेगी कि यह वाली वैद्युत बल रेखा इधर खिसक जाए, और यह वाली वैद्युत बल रेखा चाहेगी कि यह वैद्युत बल रेखा ऊपर खिसक जाए। इनके इस गुण से हमें पता चलता है कि समान आवेशों पर प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो इस प्रकार से हमने वैद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं बताई। यह वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बोर्ड परीक्षा में कभी एक नंबर के छोटे क्वेश्चन में वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं को पूछ लिया जाता है, तो आप इसे जरूर तैयार कीजिए। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले समझते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव का अर्थ है जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं, तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसका अर्थ हुआ कि जब समान परिमाण, मान लेते हैं यहां पर भी एक क्यू परिमाण का आवेश है, इससे कुछ दूरी पर एक क्यू परिमाण का आवेश है, अंतर क्या है, ये आवेश धनात्मक है तो ये आवेश ऋणात्मक है, तो हम कहते हैं कि ये यहां पर रखा है और ये यहां पर, बिंदु आवेश दोनों यहां पर रखे हैं। तब हम कहते हैं कि यदि इनके बीच की दूरी अल्प हो, हमने कहा इनके केंद्रों के बीच की दूरी मान लेते हैं 2L है, तो हम कहते हैं इस व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार दोबारा से परिभाषा बोल रहे हैं, जब समान परिमाण के दोनों के आवेश क्यू क्यू हैं, जब समान परिमाण के विपरीत आवेश यानी कि एक धनात्मक होना चाहिए तो एक ऋणात्मक होना चाहिए, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखें यानी कि 2L का मान जितना हो सके कम से कम होना चाहिए, तो इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात आती है ये विद्युत द्विध्रुव कितना शक्तिशाली होगा, यह इन आवेशों पर निर्भर करेगा और इनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। तो कोई विद्युत द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है अथवा कितना कमजोर है, इसके लिए हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल पी से निरूपित करते हैं। हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम स्मॉल पी से निरूपित करेंगे, इसकी परिभाषा के अनुसार किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी उन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेश तो दो हैं लेकिन किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, मान लेते हैं हमने ले लिया क्यू, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि यहां क्या है 2L के गुणनफल के यानी कि दूरी के आवेश के साथ गुणनफल के बराबर होता है। दोबारा से कह रहे हैं किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें यह पता चल गया ये विद्युत द्विध्रुव का परिमाण आ गया, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, हम लिखेंगे यह सदिश राशि है, इसकी दिशा, इसकी दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र धन से रेखा बाहर निकलती है, ऋण पर प्रवेश करती है, लेकिन जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी, वह जो पी की जो दिशा होगी वह हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब हमें सूत्र पता चल गया P बराबर Q गुणा 2L। हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो गया Q गुणा 2L, तो हम इसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2QL, ये हमारा इसका सूत्र आ गया। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक क्यू का मात्रक कूलाम, एल यानी कि दूरी, दूरी का मात्रक
मीटर, तो मध्य से ध्रुव का आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम मीटर। आप चाहे इसकी विमा भी निकाल सकते हैं, कूलाम की विमा अभी हमने पीछे निकाली थी, इसकी विमा होती है ए गुणा टी, और मीटर की विमा होती है एल। यदि क्रम से लिखेंगे एम एल टी के अनुसार तो ये आ गया एल इंटू टी इंटू ए, यह इसकी हो गई विमा। तो इस प्रकार से हम विद्युत ध्रुव को समझ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही मुझे पूरी विश्वास है कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही यदि आपको मेरे द्वारा समझाए गए वीडियो में कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं उसको और सरल भाषा में और अच्छी तरीके से अगले वीडियो में समझा सकूं। धन्यवाद।